उस काल में इतिहास के पन्ने पर अपना नाम दर्ज किया है, लेकिन वो नाम लेखनी के दावेदार लोगों ने कभी सामने नहीं आने दिया, क्योंकि लेखनी उनके हाथ में थी। लिखना पढ़ना वो सब उनकी तरफ था, हमारे तरफ कुछ भी नहीं था। और आज भी इतिहास के पन्ने पर जो लिखा है वो हमारा नहीं है। गोंडवाना दर्शन के संपादक मेरे प्रिय यजमान सुनेश ताराम जी कहते थे, जो लिखा है वो इतिहास हमारा नहीं है, जो लिखा है वो इतिहास हमारा नहीं है। इसीलिए जो नहीं लिखा वो हमारा इतिहास है और उसको हमें लिखना है। बात सही है, जो नहीं लिखना वो इतिहास हमें अभी लिखना है, और लिखकर जो बनेगा वो हमारा सच्चा इतिहास रहेगा। वो इतिहास को हम न्याय देंगे, अन्य लोग नहीं देंगे न्याय। इसीलिए इतिहास के पन्ने खुलते खुलते हम महान वीरांगनाएं और उनकी गाथा के तरफ चलते हैं। सर्वप्रथम आज महारानी दुर्गावती का बलिदान दिन है। वो महान वीरांगना गोंडवाना की प्रथम माता, मुझे लगता विश्व की जो प्रथम महिला होगी जिन्होंने अपने कार्यकाल में जो इतिहास बनाया। 52 गढ़ 57 परगनों की सम्राज्ञी आन बान शान से वो लड़ती रही, जूझती रही, कभी डरी नहीं, कभी हारी नहीं, कभी झुकी नहीं। ऐसी सम्राज्ञी, उनके बारे में हम कुछ विचार रखती हूँ। मैं उसको मैं नमन करती हूँ और उनके जीवन के पन्ने खोलने का प्रयास करती हूँ। गोंडवाना वीरांगना यानी बिखरे हुए मोती है, और इन बिखरे हुए मोती को एक सोपान में लाने के लिए कुछ प्रयास मैंने 20-25 साल पहले किया था। उसमें 10-12 वीरांगना की जानकारी उस जगह में जाकर 10-12 साल मुझे लगे, और उनका इतिहास, उनकी कहानियाँ, उनकी लोकगीत, किले, महल, गढ़, तालाब, ये देखकर और कहीं जानकार लोगों की तरफ से जानकारी लेकर गोंडवाना की महान वीरांगनाएं, ऐसा मैंने किताब लिखा। कई साल हो गए, और उसके लिए मेरे यजमान सुनेश ताराम ने मुझे बहुत मदद की थी। वो मेरे गुरु और मार्गदर्शक रहे, मुझे हमेशा गोंडवाना की जानकारी, गोंडवाना की वीरांगनाएं, गोंडवाना के किले महल सबकी जानकारी देते थे, और उनके सहयोग से, मार्गदर्शन से, प्रेरणा से मैंने गोंडवाना की महान वीरांगना लिखी थी। अभी इतिहास के पन्ने और गोंडी साहित्य जो है उसके बारे में भी डॉक्टर मोतीराम कंगाली जी ने बहुत सारा साहित्य लिखा, उनको भी मैं याद करते शत शत नमन करती हूँ और आगे चलती हूँ। रानी दुर्गावती 52 गढ़ 57 परगनों की
महासम्राज्ञ थी। उसमें अदम्य साहस था। पराक्रम से, दृढ़ता से गोंडवाना भूमि को बचाने के लिए अपना प्राण त्याग दिया था। ऐसी महिषि योद्धा इस भूमि पर शायद दूसरी कोई नहीं हुई। उसकी जीवन गाथा के पन्ने जब अपन खोल कर देखते हैं, तो उसका त्याग, तपस्या, संघर्ष, समर्पण की गाथा पढ़ते पढ़ते आदमी अचंभित हो जाता है। गड़ा मंडला के संग्राम शाह राज्य को, उनके राज्य में उन्होंने 52 गढ़ और 57 परगने का निर्मित की। इतना विशाल भूभाग, 52 गढ़, 57 परगने और विशाल भूभाग, इतना बड़ा समृद्धशाली राज्य भारत के कोई भी राज करने वाले के नाम से नहीं जाता। किसी के पास भी इतने परगने, 52 गढ़, 57 परगने, इतना विशाल भूभाग किसी के पास नहीं था। लेकिन महाराजा संग्राम शाह ने कुशलतापूर्वक, शूरता से, वीरता से, बुद्धि चातुर्य से ये विशाल साम्राज्य बनाया था। ईस्वी सन 157 में यदुराय मड़ाई ने इस वंश का प्रथम ध्वज फहराया। 48 पीढ़ी हो गई थी जब संग्राम शाह महाराज राज गद्दी पर बैठे थे। 20,000 वर्ग मील उनके राज्य का जो भूभाग था वो था 20,000 वर्ग मील गंगा से दक्षिण गोदावरी तक, महानदी के पश्चिमी घाट विशाल भूभाग पर समृद्ध राज उन्होंने कायम किया था। अपने विशाल साम्राज्य में उन्होंने असंख्य मजबूत, भव्य, बेजोड़ ऐसे किले बनवाए, महल बनवाए, कोट बनवाए, दौलत खाने बनवाए, खजाने, महल, तालाब, पेंठाना, देवगुड़ी आज भी आप गोंडवाना भूभाग में जाकर देखें तो आज भी गड़ा मंडला है, मदन महल है, सिंगोरगढ़ है, ऐसे कितने सारे भव्य, दिव्य और अचंभित करने वाले गढ़ और कोट किले है। यह है संग्राम शाह राजा, संग्राम शाह के कार्यकाल का दस्तावेज और सबूत। इतना ही नहीं, राजा संग्राम शाह का जो क्षेत्र था बहुत परिपूर्ण था। नदियाँ,
झरने, पानी, घनाघोर जंगल, वन औषधियाँ, खेतों में सभी प्रकार का धन धान्य होता था। जानवर, पशु पक्षी सब समृद्धि समृद्धि थी। और उन्होंने एक नियम बनाया था अपने राज में, कोई भीख नहीं मांगेगा, कोई भिखारी नहीं आएगा, कोई भिखारी दिखे तो उसको दंड होता था। इसके लिए सब जन काम करो, खेती किसानी करो, मेहनत करो और खाओ और दूसरे को खिलाओ, ऐसा उनका एक नियम था। और उसी अनुसार उनकी पूरी प्रजा मेहनत खेती किसानी करते थे और सुख समृद्धि में रहते थे। उनके पास क्या नहीं था? सफेद हाथी का बाघ था। दुनिया में सिर्फ इंद्र के पास ही एक सफेद हाथी था, ऐरावत नाम का एक सफेद हाथी, वो भी इंद्रावत। लेकिन राजा संग्राम शाह के पास सर्वन हाथी था, बहुत सुंदर सफेद। और एक ही नहीं, उनके हाथी बाग था और हाथी बाग में हजारों सफेद हाथी थे। यानी दुनिया में कोई भी ऐसा राजा नहीं है, आज तक कोई इतिहास में ऐसी नोंद नहीं है कि जिनके पास सफेद हाथी थे और वो भी सफेद हाथी की बाग थी। लेकिन संग्राम शाह के पास हजारों सफेद हाथी की बाग थी। इसे पता चलता है कि उनका राज कितना वैभवशाली था। इतना ही नहीं तो संग्राम शाह सोने के सिक्के चलाते थे, उनके राज में सोने के सिक्के निकलते थे। आज भी मैंने देखा कलकत्ता में गोंडवाना जो दालन है, वहाँ आज भी संग्राम शाह का सोने का सिक्का आपको देखने के लिए मिलेगा। यानी सोने के सिक्के चलाने वाला ऐसा वैभवशाली संग्राम शाह राजा था। हाथी दल, घोड़ दल, मनुष्य दल, तोपखाना, बारूदखाना, अनाज के भंडार और सोना मोती जवाहर से भरे हुए खजाने थे। अमन चैन, प्रजा सुखी, ऐसे बुद्धिमान राजा की कुलवधू थी सम्राज्ञी रानी दुर्गावती। दुर्गावती रूप गुण और शौर्य से, वीरता से परिपूर्ण थी। चंदेल वंश की, चंदेल यानी खरगोश, जिनके पिता का कुलचिन्ह था, उनका नाम था शालीवाहन। महोबा के रहने वाले एक बड़े से जमींदार की दुर्गावती लड़की थी, बेटी थी। सम्राट शाह की कीर्ति चारों तरफ भारत भर फैली थी। उसका बेटा था दलपति, वो भी बहुत सुंदर था, बुद्धिमान था, युद्ध कला में निपुण था, शौर्य साहसी ऐसा वीर था। उसकी सुंदरता की, वीरता की कीर्ति चारों तरफ फैली थी। और राजकुमारी दुर्गावती ने जब उसकी कीर्ति सुनी और एक बार शिकार करते वक्त उसने दलपत शाही को देखा और उसको वो बहुत पसंद आया, अपने पिता को वो कह दी, शादी करूंगी तो मैं दलपति से ही। तो उनके पिताजी बोले,
कि वो उच्च जात वाले हैं, गोंड यानी उच्च जात वाले, हम राजपूत है। सही में तो वो राजपूत नहीं थे, वो भी गण चिन्ह वाले, खरगोश गोत्र चिन्ह वाले थे। लेकिन वो कहते थे कि गोंड यानी ऊंची जात है, इसीलिए उनको पसंद नहीं था। लेकिन दुर्गावती ने संदेश भेजा द्रौपदी को और कहा कि तू मुझे आकर लेके जाना, मेरे जो पिताजी है मोबा के, उसके ऊपर आप चढ़ाई करना और मुझे उठा के ले जाना, मैं शादी करूँगी। द्रौपदी ने वैसा ही किया, मोबा पर चढ़ाई की और दुर्गावती को अपने हाथी पर बिठाल कर ले गए और बड़ी धूमधाम से सिंगोरगढ़ में दुर्गावती और द्रौपदी का शाही ब्याह हो गया। खुशी का माहौल था। लेकिन दूसरी तरफ जो हिंदू और राजपूत जमींदार थे, राजा लोग थे, उन्होंने इस बात का सख्त विरोध दर्शाया। लेकिन राजा संग्राम शाह ने राजकुमारी दुर्गावती को कोयतूरों के रीति रिवाज अनुसार अपनी बहू और मड़ावी गोत्र की कुलवधू बनाई। सिंगोरगढ़ में 7 दिन तक उनकी शाही शादी हो गई। लेकिन हिंदू राजा चिढ़ गए, राजपूत लोग चिढ़ गए, उसके रिश्तेदार चिढ़ गए। उसमें ही रानी दुर्गावती के 2 रिश्तेदार थे, एक था बदन सिंहा और दूसरा था गिरिधारी। एक लगता था मामा का लड़का और दूसरा लगता था भांजा। लेकिन वो दोनों जन दुर्गावती का रूप गुण सौंदर्य देखकर पहले से ही उसके साथ शादी करेंगे ऐसा मन में सोचे थे। और उस काल में ऐसा भी होता था कि जो भी हिंदू लड़कियां है, अन्य समाज की सुंदर सुंदर जो लड़कियां है, उनको मोगल के हरम में जबरदस्ती से ले जाते थे। दुर्गावती ने ऐसा ही सोचा था, मुझे भी हरम में जाना पड़ेगा, इससे अच्छा अपने मन से मैं शादी करूंगी। और उसने वैसा ही किया और शादी हो गई। उस काल में मुगल दरबार में तो हजारों सुंदर महिलाओं हरम में रखी जाती थी। कितनी हिंदू की लड़कियां उठाकर युद्ध करके जबरदस्ती से ले जाते थे, उसकी जानकारी दुर्गावती को मिली थी, इसलिए उसने खुद का निर्णय खुद लिया और गढ़ा मंडला की 52 गढ़ 57 परगन की महारानी बन गई। उस वक्त भारत के दिल्ली गद्दी पर गुलाम वंश का सुल्तान सिकंदर लोदी आसीन था। गोंडवाना साम्राज्य के साथ उसका दोस्ती का भाव था। उसको मालूम था गोंडवाना साम्राज्य जीतना कोई आसानी बात नहीं, इसलिए वो कभी भी गोंडवाना साम्राज्य के तरफ आँख उठा के नहीं देखा। मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गोरी के आक्रमण से राजपुताना के अमीर राणा कमजोर हो गए थे। कन्नौज, ग्वालियर, मथुरा, राजपुताना गुलाम सुल्तान सिकंदर लोदी के अधीन था। महाराजा संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह बुद्धिमान तो था और योद्धा भी था। विवाह के बाद दुर्गावती को उसने
पूरे अपने राज्य के 52 गढ़ 57 परगने दिखाए। दुर्गावती ने भी 52 गढ़ 57 परगने देखकर उसकी जानकारी ली और दुर्गावती के ध्यान में आ गया ये विशाल साम्राज्य, इसका अध्ययन करना चाहिए, उसकी निगरानी करना चाहिए। और उस तरह से उसने अपनी मानसिकता बनाई, जानकारी लेती रही। अभी संग्राम शाह 82 साल के हो गए थे और बहुत सारा राज्य कारभार उसने दलपति शाह और दुर्गावती को सौंप दिया था। एक बार संग्राम शाह के दरबार में भीख मांगने के लिए तुलसीदास आए थे और भीख मांगने लगा। लोगों ने देखा कि कोई तो भी आदमी भीख मांग रहा है। उसने तुलसीदास को पकड़ा और राजा के सामने खड़ा किया। तब राजा बोले, तू भीख क्यों मांगता है? मेरे राज में कोई भी भीख मांगता नहीं। यहाँ मजदूरी है और खेती का काम है, तू करेगा? तब वो बोला, नहीं महाराज, मैं पंडित हूँ। तो पंडित हो गए तो क्या हो गया? पंडित का काम नहीं करते? काम करना कोई शर्म की बात है? पेट कैसा भरेगा? वो बोला, मैं गाना गाता हूँ, कथा कहानी सुनाता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ। संग्राम शाह बोले, गाना गाता ठीक बात है, लेकिन काम करने के लिए गाने का कोई कारण नहीं है। हमारे यहाँ हर एक व्यक्ति काम करता है, अगर काम नहीं करता तो तू चले जाना। और उसको संग्राम शाह ने बोला कि ये हमारा राज छोड़कर तू चले जाना, यहाँ भीख मांगना हमारे कानून के विरुद्ध में है। तब उसको बहुत गुस्सा आ गया और फिर उसने एक दोहा लिखा है उसी वक्त, गोंड गवार रूप हो ही जगत महामहिपाल, गोंड गवार रूप हो जगत महामहिपाल, दाम साम दाम भेद का कछु मासे मारो दंड कराल, दाम साम भेद का कछु मारो दंड कराल। और दूसरा दोहा लिखा था, गोंड गवार शूद्र पशुनारी ए सब ताड़न के अधिकारी, क्योंकि उसकी औरत उसको छोड़कर चली गई थी। तो ये दोनों दोहा में उसने गोंड राजा और जो प्रजा है गोंड उसको गवार बोला और वो शिक्षा के लिए पात्र है ऐसा भी कहा, और नारी भी शूद्र है और गोंड भी शूद्र है ऐसा गुस्से में उसने ये दोहा उसी वक्त लिखा था। सही में तो तुलसीदास को राजा संग्राम शाह ने हकाल देने से ही उसको वहां से दोहा लिखने की, कविता लिखने की प्रेरणा मिली थी, ऐसा कहे तो ठीक ही रहेगा। राजा तोडलमर मथुरा से, भगवान दास कनौज से और बीरबल ग्वालियर से गोंडवाना साम्राज्य में नौकरी मांगने के लिए गए थे, लेकिन संग्राम शाह बोले, मजदूरी के सिवा यह दूसरा कोई काम नहीं मिलेगा। बाद में संग्राम शाह जब गुजर गए तो दलपत शाह के हाथ में राज्य कारभार सूत्र आ गया। उधर महोबा के चंदे यानी दुर्गावती के पिता का भी निधन हो गया और वहाँ का भी कारोबार तितर बितर हो गया। उस संधि का फायदा उठाकर जो गिरिधारी था और बदनसिंह था, जो दुर्गावती पर
नजर रखा था पहले से ही, बुरी नजर। वो दोनों दुर्गावती के दरबार में आ गए और कहने लगे कि हमें काम चाहिए, हमें नौकरी चाहिए। उनके पास अभी दरबार में जो वे मंत्री लोग थे, काम करने वाले लोग थे, उनमें वो बहुत चालाकी से, धूर्तता से घुस गए। इतना ही नहीं तो जो खाना बनाने वाले थे रसोईया, उनके साथ उन्होंने दोस्ती बनाई और दलपत शाह को भोजन में विष देना शुरू कर, थोड़ा थोड़ा विष उसके खाने में जो खाना बनाने वाले लोग थे वो देते रहे। और जब ज़्यादा हो गया और दलपति शाह का वो विष के कारण मृत हो गया, दुर्गावती के ऊपर बहुत बड़ा दुख का पहाड़ गिर गया। दुर्गावती बहुत शोक में रही। उसका बेटा उस वक्त सिर्फ 5 साल का था। लेकिन दुर्गावती सोची, इतना बड़ा साम्राज्य है 52 गढ़ 57 परगने, मैं अगर आंसू बहाते रहूं तो इतना बड़ा विशाल विश्व में इतना बड़ा साम्राज्य किसी के पास नहीं है। मैं अगर रोती रहूं तो ये साम्राज्य मिट्टी में मिल जाएगा, चारों तरफ दुश्मन लगे हैं। इसीलिए उसने अपनी मन की तैयारी की और बड़ी गंभीरता से, दृढ़ता से उसने अपना हौसला बुलंद करके अति साहस से गढ़ा मंडला साम्राज्य की बागडोर अपने हाथ में ली। वीर नारायण छोटा था, उसको सिंहासन पर बिठाया, लेकिन पूरा राज्य कारबार वो अभी बड़ी कुशलता से करने लगी। उसका काम करने की जो, राज्य चलाने की जो उसमें जो खूबियाँ थी, उसकी निर्णय क्षमता, साहसी दृढ़ता, दूरदर्शिता और अदम्य साहस, उतनी ही बुद्धिमान थी। वो हर बात पर नज़र रखती थी, हर निर्णय लेते वक्त बड़ी चातुर्य से निर्णय लेती थी। उसका काम और उसका राज्य कारबार देखकर जो चैन शाह और बदनशीय और चैन शाह था वो तो जलता ही था, लेकिन हिंदू राजपूत राजे थे आजू बाजू के, वो भी जलकर राख होते थे और आपस में कहते थे, एक विधवा महिला 20,000 वर्ग मील भूमि की स्वामिनी, एक विधवा महिला 20,000 विशाल भूभाग की स्वामिनी, पुरुषों के सामने मुगल सल्तान में वैसी ही ये जो चौकटी थी चारों लोगों की, वो चर्चा करते थे और जलते थे। मुगल बादशाह उस वक्त कम उम्र का था, उसके दरबार में गुलाम वंश का अबुल हसन, शेख फैजी, अबुल फजल, रहीम खान का हकीम हुमान ऐसे लोग थे। राजा तोडरमल जाट था, राजा बीरबल कालपिका बामन था, राजा मानसिंह जयपुर का राजपूत था, भगवान दास वानिया सेठी था। ऐसे लोगों ने
अपनी बहन भांजी भतीजी अकबर के दरबार में देकर बड़े बड़े अहुदे पाए थे और अकबर के साथ संबंध बनाए थे। अकबर उस वक्त केवल 20 साल का था। उसके हरम में उस वक्त नौजवान कितनी सारी औरतें थी। राजा मानसिंह, बीरबल, तोडरमल, भगवान दास गोंडवाना साम्राज्य के तरफ आग गड़ा के देख रही थी और दुर्गावती के प्रशासन राज्य कारबार देखकर उनके आग फूटने लगे थे। बद्दे की भावना भड़क रही थी। तब तुलसीराम बोला, अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे, अभी ये अकेली विधवा औरत क्या करेगी। तुलसीदास तोडरमल को बढ़ा चढ़ाकर चुगली करता था हमेशा। बीरबल भी जलता था। तुलसीदास 1531 में चित्रकूट जाकर ताड़पत्र में रामचरितमानस लिखने लगा। अब अकबर के राज में इन चौकटी ने योजना बनाई। राजपूत, रुहेल, अकबर मिलकर दुर्गावती के साम्राज्य पर चढ़ाई करेंगे। उसने आसिपाखा को तैयार किया। कड़ा का सूबेदार मुगल सेना को लेकर चढ़ाई करेंगे ऐसा नियोजन कर लिया और जीतने के बाद आधा खजाना राजपूतानों को और आधा अकबर बादशाह को ऐसा भी बात हो गई। रानी दुर्गावती को बंदी बनाएंगे ये योजना भी उन्होंने बनाई थी। उसके पहले इन चौकटी ने तय किया कि रानी को कैसा सताने का। उन्होंने एक सोने का चरखा और कपास रानी की तरफ तोहफा करके उसको जलाने के लिए भेज दिया और लिखा, संदेशा लिखा, औरतों को राज करना शोभा नहीं देता, औरतों को राज करना शोभा नहीं देता। तू तो एक विधवा है, नारी का काम है बच्चे पैदा करना, रसोई संभालना और सुख से जिंदगी बिताना। तू तो महारानी है, तू काय के लिए साम्राज्य चलाने की बात करती, ये तो पुरुषों का काम है। ऐसा जब संदेश रानी ने पढ़ा, रानी बोली कि ये बात बहुत चुभने वाली है, मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ जितने आप लोग समझते हो, मैं नारी नहीं हूँ, मैं तो ये विशाल साम्राज्य की सम्राज्ञी हूँ, सबसे शक्तिशाली। रानी ने भी आदर्श जो उसका मंत्री था उससे विचार विनिमय किया और अकबर को जवाब देने के लिए उन्होंने भी सोने का पिंजर और एक धुनकी भेज दी, क्योंकि अकबर ये पिंजारी था, कापूस पिंजना और सूत निकालना उनका काम था। तो रानी ने भी ऐसा सोने का पिंजर और धुनकी और कपास उसके तरफ भेज दिया और साथ में एक सोने का उबड़ खाबड़ करेला बनाया, वो भी साथ में भेज दिया और लिखा, अकबर तू समझता इतना गोंडवाना साम्राज्य तुझे मिलने वाला नहीं, ये सोने का करेला जैसा उबड़ खाबड़ है ऐसा मेरा राज भी उबड़ खाबड़ है। या आने की कोशिश करेगा तो तू खुद जिंदा नहीं बचेगा। वो पढ़कर वो आग बबूला हो गया,
कड़ा के सूबेदार को उसने संदेश भेजा, जाओ गोंडवाना साम्राज्य पर दुर्गावती पर चढ़ाई करो, वहाँ बहुत धन है, इतना धन विश्व के किसी भी राजा के पास नहीं जितना 52 गढ़ 57 परगनों के सम्राट संग्राम शाह के राज में है। इतना धन दौलत हीरे मोती जवाहर किसी के पास नहीं है, वो लाओ और मेरे दरबार में जमा करो। फिर पहला युद्ध की तैयारी अभी शुरू हो गई। सूबेदार ने अजयगढ़ पन्ना मड़िया के किलेदार को धावा बोला, घमासब युद्ध होने लगा। दोपहर को आसफ खां का घोड़ा घायल हुआ, सैनिक भागने लगे, दुर्गावती के सैनिक जी जान से टूट पड़े, घमासान युद्ध शुरू हो गया। और देखते देखते एक के बाद एक आसिफ खां के सैनिक मारे गए, मुर्दों की पहाड़ी बन गई, खून की नदियां बहने लगी और दुर्गावती के सैनिक पूरे जोश के साथ युद्ध करते थे। दुर्गावती युद्ध का संचालन करती थी, हाथी पर बैठकर, वो भी सफेद हाथी पर, सरवन पर। और अकबर के साथ कौन थे? राजा मानसिंह था, बीरबल था, वो सब रहने के बाद भी और विशाल सैनिक रहने के बाद भी वो हार गए। आसफ खां ने उस वक्त कड़ा के सूबेदार को बहुत लताड़ा, उसको गाली दी कि तू कमजोर है, एक विधवा औरत के सामने तू हार के आ रहा है, दोबारा जाओ और दोबारा युद्ध करो। अभी बिजरावगढ़ शाहगढ़ पर हमला करो। उसने 3,000 घुड़सवार, 1,00,000 पैदल सेना राहतगढ़ के मैदान में दुर्गावती को हमला करने के लिए धावा बोला। दुर्गावती डरी नहीं, वो हिम्मत से साहस से अपने सैनिक का मनोबल बढ़ाती रही और दुर्गावती ने 3,000 हाथी 10,000 पैदल सेना लेकर मुगलों पर टूट पड़ी। यह युद्ध 2-3 चलता रहा। बहुत लोग मारे गए, सैनिक मारे गए, काटे गए, खून की नदियां बहते गई और मांस का चिकल घुते रहा। मुगल सेना लड़ती थी लेकिन उस वक्त भी दुर्गावती के सेना के सामने हार गई। दोबारा भी कड़ा का सूबेदार हार कर भाग गई और रानी दुर्गावती ने दोनों युद्ध में अपना जय, अपना पराक्रम, अपना शौर्य दुनिया को दिखा दिया। अब तीसरी बार युद्ध करने का अकबर सोचने लगा। कबे कड़ा सूबेदार को अब बोला, अब फतेहपुर सिकरी में उसको बुलाया उसने। बीरबल वजीर ने कहा, क्यों मियाँ? कड़ा सूबेदार, तू तो बंगाल के रुहेल, पंजाब काबुल के विशेषज्ञ हो, युद्ध का विशारद हो, युद्ध में विशारद हो, और ऐसा रहने के बाद भी एक विधवा औरत से हार गया दो दो बार, कान खोल कर सुन लो। अब तीसरी बार हार गया
तो कड़ा से तुझे हटा दूंगा और राज्य से हकल दूंगा। इतना ही नहीं तो जिंदगी भर बंदी बनाकर तुझे मैं कैदी बनाकर रखूंगा। वो घबरा गया। फिर उसने सोचा कि अभी क्या करना चाहिए। उसने फिर सोचा, कुछ गर्भेदी, कुछ दुश्मन, कुछ गुप्तचर भेजने का काम किया, क्या करना। वो सोचने लगा। फिर उसको याद आया बदन सिंह का, चैन शाह का, कि वो दुर्गावती के दुश्मन है। उसमें अपने युद्ध में, अपने योजना में शामिल करना चाहिए और उनके सहारे, उनका सहारा लेकर अभी दुर्गावती के राज में गुप्तचर लोगों को पैसा देकर, धन देकर सारी बातें वो निकालता रहा। और अभी युद्ध की तीसरी बार तैयारी की। रसद, पानी, बैल, अनाज, साधन, गद्दे, खच्चर, सब तैयारी हो गई। 1,00,000 पैदल, 10,000 घोड़े सवार लेकर हमला करने के लिए निकला। उस वक्त रानी को ये बात मालूम नहीं थी कि दुश्मन अपने ऊपर अभी हमला करने वाला है, क्योंकि बरसात के दिन आए थे और बरसात के कारण रानी के जो सैनिक थे, गोंडवाना भूभाग के जो सैनिक रहते थे, वो खेती करने वाले किसान, खेती के वक्त में किसानी करते थे और युद्ध के समय जब भी आदेश आता था तो सैनिक बनकर वो युद्ध लड़ते थे। तो सभी किसान अपने अपने गांव में जाकर खेती किसानी में लग गए थे और एकाएक शत्रु हमला कर रहा था। आकाश में घनघोर बादल आए। रानी और मंत्री आदर्शीय आनंद फानंद में युद्ध की सामग्री जुटाई। समय पर संकट आ खड़ा हुआ। संग्रामपुर में युद्ध भूमि पर युद्ध का बिगुल बजा। सैनिक टूट पड़े, लड़ते रहे, हजारों मृत्यु के घाट पे उतर गए। खून की नदियां बहने लगी। राजकुमार नारायण तब ये युद्ध में घायल हो गया। उसको चौरागढ़ में सुरक्षा के लिए भेजा गया। रानी सरवन हाथी के ऊपर बैठकर बड़ी वीरता से, शूरता से, बहादुरी से लड़ती थी। वो एक कोमल नारी थी, लेकिन उसके हाथ में जो तलवार थी, वो धारदार तलवार ऐसी चलाती थी कि एक ही वार में दो दो तीन तीन आदमी को वो ख़त्म करती थी। रानी का ये शौर्य, हिम्मत, वीरता देखकर शत्रु भी घबरा गए थे। लेकिन जो उसके जो विरोधी थे, बदन सिंह और चैन सिंह, वो झाड़ी में छुप कर बैठे और उन्होंने ऐसा योजना बनाई कि बीच में छुप कर रहने का और रानी के ऊपर तीर छोड़ने का। जब घनघोर युद्ध शुरू था, युद्ध का बिगुल बजता था, सैनिक टूट पड़े थे, दोनों तरफ से मार काट हो रहा था और उस एरिया भी उबड़ खाबड़ था, पहाड़ी एरिया था, पानी आने लगा, नदी को पूर आ गया, दिखता नहीं था। ऐसे समय में बदन सिंह ने दो तीर रानी के ऊपर छोड़े। एक तीर उसके आंखों में लग गया और एक तीर उसके गले में घुस गया। रानी ने सोचा, अभी मृत्यु समीप आ गया है, क्योंकि आंख में तीर घुस गया
गले में घुस गया। बड़ी मुश्किल से उसने अपने हाथ से खसकर निकाल के फेंक दिया। लेकिन शत्रु अभी मेरे ऊपर हमला करके मेरे शरीर को छुएगा। शत्रु के हाथ में जाने के बगैर मरना अच्छा है, ऐसा सोचकर वो अपने हाथी का जो महावत था उसको बोली, महावत ये मेरी कटार लो और मेरे छाती में घुसा दो। लेकिन महावत बोला, नहीं महारानी, ऐसा मैं नहीं कर सकता। आप तो बहादुर हो, आप तो मेरी माँ हो, प्रजा की माँ हो, मैं ऐसा नहीं करूँगा। शत्रु समीप आ गया। रानी को लगा ये पापी लोगों के हाथ लगने के बगैर गोंडवाना भूभाग पर आन बारों शान के लिए और अपनी अबरू बचाने के लिए खुद के हाथ से कटार उसने अपने छाती में अपने सीने में घुसा दी और रानी वहीं पर मैदान पर अपना बलिदान कर दिया। गोंडवाना भूभाग पर अपना बलिदान देने वाली अपनी आन बान और शान, अपना शौर्य, अपनी वीरता, अपनी बहादुरी दिखाने वाली ये महिला असामान्य थी। इसलिए आईने अकबरी में अबुल फजल कहता है कि रानी दुर्गावती ऐसी महिला विश्व में अभी तक नहीं हुई। इतनी त्यागी, इतनी शौर्यशाली, इतनी गंभीर और इतनी साहसी बहादुर महिला विश्व में नहीं हुई ना होगी, ऐसा उसके बहादुरी के ऊपर उन्होंने लिखा है। ऐसी महान रानी दुर्गावती 24 जून 1564 को गोंडवाना भूमि पर शहीद हो गई। ऐसी महान वीरांगना की ये गाथा है। 52 गढ़ 57 परगने वो अभी सुने पड़े थे।